हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग का स्वागत है। तो इधर देखिए, हमारे घर आया है कोई नया मेहमान। हम मिलाएंगे आपको, थोड़ा रुक के थोड़ा सब्र करिए, हम मिलवाएंगे आप लोगों को नए मेहमान से। ठीक है, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग देखेंगे तो सच में बहुत खुश हो जाएंगे नए मेहमान को। अभी तो लोग मेरे पुराने मेहमान है, नए मेहमान से मिलवाएंगे। नहीं बेटा, ना बिटिया कौन मारा है? मम्मा मारी है? नहीं मारी है। अरे नहीं मारी है बेटा। अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है, सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी बोल दें। तो अभी देखिए, अभी हम खाना भी नहीं बनाया, अभी 8 बज रहा है, अभी बस अपने बच्चों को खाना वाना खिला, मतलब नाश्ता बना, चावल था वही फ्राई करके। हाँ ठीक है, चुप हो जाओ। चावल था वही फ्राई करके खिला दिए हैं अपने दोनों बच्चों को। ये तो खाता नहीं है, तो बस दूध ही। ये तो अपने बच्चे को लेके खिला रहा है। इधर देखिए आप लोग, क्या है ये? ये क्या है बेटा? ये खरगोश। अच्छा लो लो लो, गुस्सा आता बहुत जल्दी, मम्मी हाय देखो, बहुत ज्यादा है मेरा बेटा, जब देखो तब गुस्सा आ जाता है। तो चलिए ठीक है, अभी हमको खाना बनाना बाकी है। बहुत ज्यादा ठंडी भी लग रही है। इधर का ये जो पर्दा हट गया है ना इधर का, तो हवा बहुत तेज से आ रहा है, तो अभी सही करेंगे। कितने से कर रहे हैं इसके पापा से काटी ठोक दीजिए ड्रिल मशीन से। वो ड्रिल मशीन से मतलब हथौड़ा से नहीं, वो छेद आएगा, इसलिए मैं बोल रही थी ड्रिल मशीन से छेद दीजिए। चमनप्रास खाने के लिए मेरा बच्चा बेचैन। देखिए तो इसका मुंह का टेस्ट कैसा होता है चमनप्रास खा के। अभी नहीं भाई, देखे चमनप्रास खा के बाबू कैसा मुंह लगता है। अरे हम खिला रहे हैं, तुम हाथ मत डालो, चम्मच तो लाई नहीं हो। इसका फेवरेट है चमनप्रास, बहुत खाता है। मम्मा खिला रही है ना, लो देखिए। अब बार बार वो खाने के लिए बोलेगा, एक बार खिला देंगे तो बार बार बोलेगा खाने के लिए। तो दोस्तों हम चलते हैं खाना वाना बनाने। ठीक है, अभी बहुत सारा काम है। लो जी, तो चलिए ठीक है, आप लोग को मिला देते हैं उस नए मेहमान से। ठीक है, लेकिन एक बात की, मैं उसको छूंगी नहीं, मैं एकदम ही नहीं छूती हूँ उसको, मैं बस दूर से खिलाती हूँ। चल चलिए मिलवा देते हैं नए मेहमान से, मिलवा दें। चलो लाओ 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 लाओ, चलिए चलो। इधर देखिए, ये है नया मेहमान जो हमारे घर आ गया है। दो दिन से, दो नहीं तीन दिन हो गया ना बाबू, आज तीन दिन हो गया, तीन दिन से आज मतलब आज आ रहे। मैं तो देखी नहीं थी, हाँ बस ऐसी आई अचानक, तो मुझे लगा कि कहाँ से बिल्ली आई है। तो आके रजाई पे बाबू के सोई थी, हाँ तो फिर हम लोग भगाए, फिर हम लोग रात को सोने आए, तो फिर वापस से रजाई पे आ गई थी सोने के लिए। इसी के पास होती है रजाई पे आके, और इसको दूध चाहिए रहता है पीने के लिए, और हम भगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन भगाने के लिए हम भगाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बाबू जो है भगाने नहीं दे रहा है। देख लीजिए इसका फेस, आप लोग देख लीजिए कितना गुस्सा गुस्सा थक रही है, म्याओ म्याओ बोल रही, लेकिन बाबू इसको छोड़ नहीं रहा है। दूध लग रहा है, भुखाई होगी। और कैसे बोल रही, माँ माँ म्याओ, बिल्ली कैसे बोलती है? क्या हो रहा है? भूख लगा, इसको दूध लाके दे दो। छटपटा रही है? हाँ छटपटा रही है। इसके आगे मेरा बाबू रो रहा है, मेरा बाबू रो रहा है, मेरा लल्ला रो रहा है, मेरा सोना। क्या चाहिए इनको? पूरा डब्बा का चमनप्रास चाहिए कि दे दें हम इनको? अरे जो है लेके, अरे नेपल से नहीं पिलाना, नेपल भाई बाबू का नेपल है, इसका नेपल जुटा कर देगा तो इन्फेक्शन होगा। उसके लिए अलग वो छोटा नेपल दे दो बाबू, उसको एक और नेपल बाबू का है वो दे दो। बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी इधर देखो, कर दो कॉगी। अरे तेरी बाबू की गोदिया में दो, तो तेरे बाबू की गोदिया में देखो बाबू कैसे खेलाता है इसको। तो देखना बस नाखून ना मारे, दियो दो बाबू को, दो ना बाबू गोदिया में। जी किटी है, किटी दो जी, बात उठाओ मत मेरा सलिया मत, बस बाबू को दो, बाबू को दो ना। देखो दे, ये क्या बोल रहे हो? ये छूने की कोशिश कर रहा है, क्या है? दो थोड़ा, दो थोड़ा, दो बाबू को दो थोड़ा, बाबू को दो थोड़ा, बहनी को भी दो, बहनी को दो, बहनी को दो। पकड़े ना फंस के, पकड़े ना मत, हम पकड़े ना, वो पकड़ रही है ना, उसको दो बेटा। अरे मम्मी पकड़ेगी तो इसके हाथ से छूट के भाग जाएगा, बहुत तेज से छटपटाती है। चलो उसको रजाई में सोने दो, काट रहा है तुमको। नहीं दे रहा है, दे दो थोड़ा, दे दो प्यार से, मांगो भैया से। नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर चलिए गाइस, तब आज के मतलब आप लोगों ने नए मेहमान से मिल लिया, बहुत सारा काम भी करना, अभी जा रहे हैं खाना बनाने।
सवा आठ भी हो गया। मेरे बच्चे देखिए कितना खुश है बिल्ली को पाके, बिल्ली के पीछे ही पड़े हैं, तब बिल्ली के पीछे ही खेलते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, बस आज के ब्लॉग में इतना ही, छोटा सा ब्लॉग था। तो प्लीज़ प्यारा से कमेंट करिएगा कि बस बिल्ली मौसी कैसी लगी आप लोगों को, नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ वीडियो को। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।